देव में चौधरी लक्ष्मी नारायण के लिए नरदेव चौधरी ने मांगे वोट। छाता विधानसभा क्षेत्र के गम संकेत भाजपा प्रत्याशी चौधरी लक्ष्मी नारायण के समर्थन में नरदेव चौधरी ने वोट मांगे। उनके समर्थन में भारी मात्रा में सहलाब उमड़ा, जिसमें भाजपा प्रत्याशी चौधरी लक्ष्मी नारायण को लोगों ने भारी मतों से जिताने का आश्वासन दिया और कहा कि पहले चौधरी लक्ष्मी नारायण 65,000 वोटों से जीते, अब की बार 1,00,000 वोटों से जिताना है। कैबिनेट में मंत्री बनाकर लाएंगे, जिसमें नरदेव चौधरी ने विपक्षियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो विपक्षी हाथ काटने का काम करते हैं वो क्या जनता की सेवा करेंगे, वह अभी से ही हाथ काटने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी हाथ काटने का काम नहीं करती बल्कि जोड़ने का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी ने छाता विधानसभा में विकास कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिससे सभी लोगों ने गाना भी गाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और नरदेव चौधरी ने कहा कि जो विपक्षी मंत्री हैं और मेरे बारे में अपशब्द बोल रहे हैं, मैं उनका अभी भी सम्मान करता हूं और आगे करता रहूंगा। लोकेश गर्ग, मथुरा, समाचार 24। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में छाता क्षेत्र में कैसा रुझान मिल रहा है? ये तो आप भी देख रहे होंगे जगह जगह जाके। इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल छाता विधानसभा में युवाओं ने, बुजुर्गों ने, हमारी मातृशक्ति ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक नारा दिया है, अब की बार 1,00,000 पार। निश्चित रूप से जिस तरह से पिछले 5 साल में छाता चौमुखी विकास की तरफ माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ा है, चाहे वो सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आप देख रहे होंगे छाता आज उत्तर प्रदेश में पूरी सभी 403 विधानसभाओं में अपनी अलग पहचान बना चुका है और माननीय मंत्री जी को भी इतना प्यार और आशीर्वाद यहाँ की जनता दे रही है कि आज इस जन जन के आशीर्वाद को लेके छाता के नाम को उन्होंने विधानसभा में भी सबसे सीनियर मंत्रियों में लिखवा दिया है। बरसाना क्षेत्र में राधा रानी के शरण में यहाँ जनता का कैसा जन समर्थन आपको प्राप्त हुआ है, उसके बारे में बताएं। श्री जी की ऐसी कृपा मंत्री जी पे हमेशा से रही है, अपार। श्री जी हमारी सबकी आराध्य है। मेरा ये मानना है, आप देख रहे होंगे, केवल मंत्री जी ही क्षेत्र के लिए ऐसा सोच सकते हैं। हमने अपनी जो हमारी बहनें हैं, गरीब कन्याएं, पूरे क्षेत्र की समस्त कन्याओं के लिए फ्री वाहन समेत एक पूरा डिग्री कॉलेज, एक CBSE इंटर कॉलेज यहाँ खुलवाया है क्षेत्र में, जिससे हमारे रोजगार मिल सके, लोगों को पढ़ प्राप्त करके, शिक्षा प्राप्त करके। उसके बाद त्यागी जी हमारे बीच में खड़े हैं, इन्होंने पूरे पिछले 5-10 साल से इतनी बड़ी समाज सेवा इस क्षेत्र में की है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। चाहे गौशालाएं हो, चाहे मंदिर हो, चाहे हमारे सभी धार्मिक स्थलों के आयोजनों का सुदृढ़ीकरण का कार्य हो, त्यागी जी ने मंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पुरातन हमारी जो सनातन धर्म की संस्कृति है, इस पूरे बरसाना क्षेत्र को उसमें लौटाने का काम किया है। इसके लिए मैंने अपनी तरफ से मंत्री जी और पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपको चाहे त्रवायागार हो या जाटों की हमारी ये जो पाल है इनकी हो, सभी का जन समर्थन मिल रहा है। पहली बार हम देख रहे हैं इतना जन समर्थन आपके साथ है, तो ऐसा क्या मतलब विकास कार्य इतना किया है कि जनता जो इतना आपके साथ समर्थन दे रही है? देखिए, आपको मालूम है पिछले 40 साल से माननीय मंत्री जी ने और उससे पहले हमारे दादा स्वर्गीय रतिराम सरपंच कंधे से कंधा मिलाकर पुरातन हमारी जो सनातन धर्म की संस्कृति है, इस पूरे बरसाना क्षेत्र को उसमें लौटाने का काम किया है। इसके लिए मैंने अपनी तरफ से मंत्री जी और पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपको चाहे त्रवायागार हो या जाटों की हमारी ये जो पाल है इनकी हो, सभी का जन समर्थन मिल रहा है। पहली बार हम देख रहे हैं इतना जन समर्थन आपके साथ है, तो ऐसा क्या मतलब विकास कार्य इतना किया है कि जनता जो इतना आपके साथ समर्थन दे रही है? देखिए, आपको मालूम है पिछले 40 साल से माननीय मंत्री जी ने और उससे पहले हमारे दादा स्वर्गीय रतिराम सरपंच जी ने इस क्षेत्र की इस तरह सेवा की,
कि प्रत्येक नौजवान को अपना बेटा माना, प्रत्येक बुजुर्ग को अपना पिता माना, प्रत्येक माता बहन को अपनी माँ बहन से ज्यादा सम्मान दिया। और उसी तरह जनता ने भी मुझे माननीय मंत्री जी को अपने बेटे, चाचा, ताऊ, भतीजे की तरह प्यार दिया है। आप ये देख लो, आज पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है। छाता विधानसभा का प्रत्येक हमारा जन जन, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे माताएं हो, चाहे नौजवान साथी हो, सब जानते हैं कि यदि छाता क्षेत्र में कोई भी नौजवान, कोई भी हमारा सम्मानित साथी 1 किलो चीनी की शिकंजी भी कहीं बनाता है तो पूरे 5 साल मंत्री जी और नरदेव वहाँ हाजिरी देते हैं। सब जानते हैं, चाहे हमारे क्षेत्र के किसी साथी के यहाँ उसके परिवार वाले रूठ गए हों, लेकिन किसी ने यदि 5 किलो आटे की पूड़ी भी तैयार की होगी तो नरदेव और लक्ष्मी नारायण ने प्रत्येक दरवाजे पे माथा टेकने का काम किया है। सम्मान वाला, आपने पिछले 5 साल से विकास कार्य कराया है यहाँ, ऐसे कुछ अधूरे काम रह गए हैं कि जो आगे अगले 5 साल में? निश्चित रूप से कराया है, और विकास एक सतत प्रक्रिया है जो कभी पूरी नहीं होती। लेकिन मैं कह सकता हूँ गठबंधन के एक प्रत्याशी, आप बताइए मुझे, जो 40 साल से राजनीति कर रहे हो, वो जनता में क्या क्या के वोट मांगते हैं सबके सामने कि मेरा पोत है? आप मुझे बताओ, 40 साल 15 साल जो विधानसभा में व्यक्ति रह लिया हो, वो जनता में ये कह के वोट मांगे कि मेरा पोत है? अरे पोत तो बच्चों के आइस पाइस के खेल में होता है, दुबकी दुबका के खेल में बच्चे खेलते हैं। पोत तो पोत के नाम पे वोट हम नहीं मांगते। हम जो बात संकेत में खड़े होकर आपसे कह रहे हैं अपने हरिवंशी समाज के गांव में, वही बात सीना ठोक के जाटों के गांव में कहते हैं, वही बात चौमा ब्लॉक के राजपूत समाज के गांव में कहते हैं, वही बात हमारे तीनों ब्लॉकों के मुस्लिम समाज और ब्राह्मण समाज के गांव में कहते हैं, वही बघेल समाज में कहते हैं, वही जाटों समाज में कहते हैं। जो हमने कहा वो किया, और मैं सब जनता के सामने आपको विश्वास दिलाता हूँ, चाहे हमारी गर्दन केत में खड़े होकर आपसे कह रहे हैं अपने हरिवंशी समाज के गांव में, वही बात सीना ठोक के जाटों के गांव में कहते हैं, वही बात चुमा ब्लॉक के राजपूत समाज के गांव में कहते हैं, वही बात हमारे तीनों ब्लॉकों के मुस्लिम समाज और ब्राह्मण समाज के गांव में कहते हैं, वही बघेल समाज में कहते हैं, वही जाटों समाज में कहते हैं। जो हमने कहा वो किया, और मैं सब जनता के सामने आपको विश्वास दिलाता हूँ, चाहे हमारी गर्दन कट जाना, लेकिन जनता के लिए जो कह दिया उसे पूरा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ विरोधी लोग आपके और मंत्री जी के बारे में अनर्गल बातें करते हैं सभाओं से, कुछ अनर्गल ऐसी बातें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, उनको क्या संदेश देना? मैं केवल उनके लिए ये संदेश देना चाहता हूँ, जो भी हमारे विरोधी अनर्गल बातें कर रहे हैं, मैं भगवान से केवल राधा रानी के चरणों में इतनी प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, और जितनी वो मेरे बारे में, मंत्री जी के बारे में अपमानजनक बातें कहें, मैं उन्हें आज भी और जितना पहले सम्मान देता था उससे ज्यादा पिताजी की तरह सम्मान देना शुरू करूंगा। यहीं पर कुछ त्यागी जी आपसे पूछेंगे, छाता क्षेत्र में आप वरिष्ठ समाज सेवियों में आते हैं, आपके बहुत सारे मतलब वो भी चल रहे हैं यहाँ कार्य, कैसा मानते हैं, कितनी वोटों से जीतता मानते हैं आप इस बार लक्ष्मी नारायण चौधरी? देखिए, पहले तो सभी को राधे राधे। मैं एक चीज कहूंगा आपसे कि मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं है जी। मैं सिर्फ माननीय, हमने समाज से भी सुनिए, सुनिए मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं माननीय चौधरी साहब से व्यक्तिगत रूप से उनके स्वभाव से जुड़ा हुआ हूँ, और इस बार पहली बार 50 साल की उम्र में जेपी त्यागी चौधरी साहब के लिए प्रचार करने आया है, और ये लास्ट मुझे पता है कि चौधरी साहब का ये लास्ट इलेक्शन है। कम से कम इस बार जो जीत होगी ना, जो मैं देख रहा हूँ, 1 लाख+ से जो जीत 100% भारतीय जनता पार्टी की देश को जरूरत है। देश को अगर बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को ही लेके आना, ये मजबूरी है पब्लिक की, ये नोट कर लो आप। कहना चाहते हैं नरदेव चौधरी? मैं केवल इतना अनुरोध करना चाहता हूँ आप सबसे, आज हमारे साथ में हमारे किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। आप सब देख लो, यदि बरसाना को और इस पूरे इलाके को योगी की सरकार ने क्या दिया और अखिलेश की सरकार ने क्या दिया? अखिलेश ने क्या दिया था? जवाहरबाग का दंगा, कोसी कला का दंगा, हमारे 3-3 निर्मम हिंदुओं की हत्या की जाती है, हमारी बहन बेटियों को बुरी नजर से देखा जाता है, कोसी की चांद की तरह चमकने वाले बाजार को कर्फ्यू में बदल के उन हिंदुओं को जिन्होंने 3-3 महीने से घर से कदम बाहर